सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। पासपोर्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपको बता दें कि ये किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया वो दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकता। ऐसा करना गैर कानूनी होता है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि पासपोर्ट बनाने के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुलिस क्या वेरिफिकेशन करती है? तो आइए इसी के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस क्या वेरीफाई करती है। दरअसल पासपोर्ट बनाने के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं की जांच करने के लिए पुलिस व्यक्तिगत तौर पर आवेदक के बताए हुए पते पर पहुंचती है। आवेदक बताए हुए पते पर कब से रह रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, जैसी कई बातों की जांच कर पुलिस ये तय करती है कि आवेदन में दी गई जानकारी कितनी सही है। वहीं आवेदक के खिलाफ अगर कोई पुलिस या कोर्ट केस पेंडिंग हो तो पुलिस इसके बारे में भी पूरी जानकारी पासपोर्ट दफ्तर तक पहुंचाती है। बता दें आपको कि पासपोर्ट बनाने के लिए साधारण तौर पर पुलिस जांच तीन तरह से करती है। पहला क्लियर, दूसरा तथ्यपूर्ण या फिर अनुशन्य नहीं। पहली रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होता है, दूसरी रिपोर्ट से पुलिस एक तरीके का फैसला पासपोर्ट दफ्तर के विवेक पर छोड़ देती है। वहीं तीसरी रिपोर्ट का ये मतलब होता है कि पेश किए गए दस्तावेज उचित नहीं थे, ऐसे में पुलिस पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश करती है। हालांकि पासपोर्ट दोबारा जारी किए जाने पर स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, तो वेरिफिकेशन नहीं होती है। बता दें आपको कि पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस केवल उन्हीं मामलों को ध्यान में रखती है जिनमें FIR या किसी तरीके का कोर्ट केस हो। ऐसे में आपको बता दें कि पासपोर्ट एक्ट 1968 या फिर पासपोर्ट रूल्स 1980 में कहीं ऐसा दर्ज नहीं है कि पुलिस आवेदक के सामाजिक राजनीति बर्ताव को जांचे और इसे वैधानिक चेतावनी के तौर पर दर्ज करे। इतना ही नहीं बल्कि ट्रैफिक सिग्नल या अन्य ट्रैफिक नियम तोड़े जाने के मामले भी पासपोर्ट जांच में रोड़ा नहीं पड़ते। बता दें कि कई बार अदालतें कई मौकों पर ये बात कह चुकी है कि सिर्फ FIR या कोर्ट केस के आधार पर किसी को पासपोर्ट से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट इस तरीके का निर्देश न दे। कोर्ट की इजाजत लेकर ही ऐसा आवेदक भी विदेश यात्रा कर सकते हैं जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो देखा आपने, कुछ ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।